हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का ब्रेन टेक में। दोस्तों, क्या आपने ब्लॉग स्टार एप्लीकेशन का नाम सुना है? यदि नहीं तो आज का ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम बात करने वाले हैं इसी एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से, सीखेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में प्रॉपर तरीके से, ये क्या है, कैसे यूज करते हैं इसे और किस तरह से ये वर्क करती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको इस एप्लीकेशन के बारे में पहले से ही पता है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा इसी एप्लीकेशन से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पर प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है ब्लॉग स्टार। जैसे दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, आपको इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ आपको मिलेगा वीडियो एडिटर और टिकटॉक टेम्पलेट्स का ऑप्शन। अब बेसिकली टिकटॉक तो बंद हो गया, तो हम यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी यहाँ पर आपका डेटा इम्पोर्ट करना है, लाइक फोटोज इम्पोर्ट करनी है या फिर वीडियो इम्पोर्ट करनी है, तो आप यहाँ पर स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर दीजिए और यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेंगे देखने के लिए, जिसमें आप वीडियो, फोटो, पोस्टर जो भी आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमें तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। पहला ऑप्शन बेसिकली यूट्यूब वीडियोज के लिए होता है। सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करके हम शॉर्ट वीडियोज वगैरह के लिए वीडियो यदि बनाते हैं तो हम इसे चूज कर सकते हैं। थर्ड पर हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वगैरह की वीडियोज के लिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करके एडिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप एडिट पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका वीडियो लोड हो जाएगा और नीचे की तरफ आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं इस वीडियो को, और इसके अलावा आप सीधे यहाँ पर चेक लगा देंगे तो आप इस वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इस तरह से आप इसे देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे देखने में, और आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। अब बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आपको एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, लेकिन इतने इफेक्टिव और बेहतरीन ऑप्शंस आपको उनमें भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं जो कि यहाँ आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं यहाँ से पहले ऑप्शन से, जो कि है यहाँ पर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड्स के ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें हम काफ़ी सारे बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के पीछे लगाने के लिए। यहाँ पर अगला ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करके हम बेसिकली टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर कोई भी अपना टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो और ओके कर देंगे यहाँ से, और इस तरह से दोस्तों ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पर ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट पर क्लिक करके बेसिकली कई सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन में आप जाएंगे तो आप यहाँ से साइज इसका इंक्रीज कर सकते हैं हम यहाँ से। इसके अलावा आपको यहाँ पर बॉर्डर वगैरह के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, आउटलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, एनिमेशन आप लगा सकते हो उस टेक्स्ट के ऊपर, तो आप काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टाइटल टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी एनिमेटेड टाइटल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनको आप चूज करके डायरेक्टली अपनी वीडियोस में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर ये टाइटल हमें दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करें। आपको कोई कॉमिक टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो कोई भी आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जो कि आपको अपने वीडियोस में यूज करना है, तो आप सीधे उस पर क्लिक करके यहाँ इस तरह से लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला हमारा ऑप्शन आ जाता है बेसिकली यहाँ पर स्टिकर्स का। स्टिकर्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, जिसका यूज़ करके आप अपनी वीडियोस में बेहतरीन बेहतरीन स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में बेसिकली देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो जैसे मैं दोस्तों स्टिकर्स पे जाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर इमोजीज हैं, इसके अलावा यहाँ पर सोशल आइकन्स हैं जो कि आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर एरो हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, तो यहाँ पर नियोन इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे स्टिकर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो कि बहुत बेहतरीन फीचर मुझे यहाँ पर लगा, एनिमेटेड यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाएंगे। एनिमेटेड स्टिकर्स का यूज़ करके आप देखिए इस कुछ इस तरह से स्टिकर्स आप अपने वीडियोस में ऐड कर सकते हो। तो एनिमेटेड स्टिकर्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे सब्सक्राइब बटन होते हैं या फिर सोशल आइकन है, आपको इस तरह के आइकन जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे एनिमेटेड स्टिकर्स में। सो दोस्तों आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। यदि आप सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं या फिर अपनी यूट्यूब की कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ से काफ़ी सारे स्टिकर्स अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन है साउंड का, जिसका यूज करके आप अपनी वीडियो में साउंड इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इसके अलावा प्रॉपर म्यूजिक मिल जाएगा, आप रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली म्यूजिक को। और इसके अलावा दोस्तों यदि आपको कोई म्यूजिक रिकॉर्ड नहीं करना है तो आप यहाँ से इम्पोर्ट भी कर सकते हो अपने खुद के कोई भी वॉइस आपने, या फिर कोई भी आपका म्यूजिक इसमें पहले से पड़ा हुआ है तो आप उसे भी इम्पोर्ट कर सकते हो। तो जैसे आप साउंड पर जाओगे, यहाँ पर इफेक्ट के अंदर जाओगे, यहाँ पर काफी सारे फनी इफेक्ट्स मिल जाएंगे लाइक दिस। तो दोस्तों आप यहां से बहुत सारे टाइप के साउंड इफेक्ट्स यूज कर सकते हो। म्यूजिक आपको लगाना है तो आप प्रॉपर म्यूजिक भी यहीं पर जाकर ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रॉपर म्यूजिक का, तो आप यहां पर प्रॉपर म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। सो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है कोई आपको इमेज इंपोर्ट करनी है वीडियो के ऊपर आप, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पर कोई भी इफेक्ट ऐड करना है तो आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर काफी सारे इफेक्ट हैं जो कोई अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किए हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला इफेक्ट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टैप करके रखूंगा और जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए इफेक्ट जो है ऐड हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइप के इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे जिनका यूज करके आप अपनी वीडियो को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। फिल्टर आपको मिल जाएगा जिससे आप अपने वीडियोस वगैरह के क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, वीडियोस पर काफी सारे फिल्टर लगा सकते हो जिनको देखने के बाद वीडियो आपकी और भी ज्यादा बेहतरीन और इफेक्टिव लगेगी। और आगे दोस्तों यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को, टिंट वगैरह को, सैचुरेशंस वगैरह को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। सो दोस्तों यहां पर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि अमेजिंग टाइप के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आप इन ट्रांजिशन इफेक्ट को यहाँ पर अपनी वीडियोज में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पर एड कर रहा हूँ, तो देखिए वीडियो मेरा कुछ इस तरह से रन होगा। यहाँ पर ये वाला ट्रांजिशन इफेक्ट लगा लीजिए। जो भी दोस्तों प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें हम ट्रांजिशन इफेक्ट देखते हैं जो कि हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, बहुत सारे इफेक्ट यहां पर आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। बस आपको ये सीधे क्लिक करना है और इस तरह से आप ट्रांजिशन इफेक्ट यहां पर अपनी वीडियोस पर ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों सारे ऑप्शंस यूज करने के बाद फाइनली हम अपनी वीडियो को सेव करेंगे, तो इसके लिए हम यहां पर टैप कर देंगे और उसके बाद दोस्तों आपको यहां से क्वालिटी चूज करनी है, आपको कितने पिक्सल्स में इसे सेव करना है और देन आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहां पर दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी, उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप कई सारे टाइप के स्लाइड शो भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपको किसी की बर्थडे के लिए आपको स्लाइड शो क्रिएट करना है या फिर आपको खुद का ही कोई वीडियो बनाना है तो आप वो भी यहां से कर सकते हो। आपको टिकटॉक टेम्पलेट्स में जाना है, यानी कि यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, आप देख सकते हो। जैसे दोस्तों आप यहां क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से आपको ट्रांजिशन देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इस ट्रांजिशन इफेक्ट को आपको यूज करना है तो आपको बस उस पर टैप करना है और उसके बाद ये डाउनलोड प्रोसेस हो जाएगा। जैसे दोस्तों ये डाउनलोड हो जाता है, आपको यहाँ पर अपने पिक्चर चूज करने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक इफेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों आप चाहें तो इस तरह के शॉर्ट वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के लिए। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे ये एप्लीकेशन एक पेड एप्लीकेशन है, यदि आपको इसका डैश वाला वर्जन चाहिए तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां मिलेगा आपको एक लिंक, जाकर उस पर क्लिक कीजिए, एक वेब पेज खुलेगा, डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और आफ्टर दैट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सो दोस्तों जाइए इसे डाउनलोड कर लीजिए और यूज कीजिए इस एप्लीकेशन को और बताइए आपको कैसी लगी ये एप्लीकेशन। इसके अलावा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, साथ ही साथ कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलेंगे फिर से फ्रेश और एक नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।